आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने दिया अपने पद से त्यागपत्र, कहा लड़ूंगा कानूनी लड़ाई। केरल के सबरीमला में प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर को आज महिलाओं के लिए खोल दिया गया, इलाके में तनाव जारी। सतना में ट्रक से कुचलने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत। और प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है नवरात्रि का महाअष्टमी पर्व। अब समाचार विस्तार से। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये इस्तीफा मीटू के आरोपों से घिरे होने के चलते दिया। श्री अकबर ने त्यागपत्र देने की जानकारी मीडिया में बयान जारी करके दी। उन्होंने कहा कि मैंने इंसाफ के लिए व्यक्तिगत स्तर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए मुझे पद छोड़कर खुद पर लगे झूठे आरोपों को चुनौती देना उचित लगा। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। केरल के सबरीमला में प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर आज महिलाओं के लिए खोल दिया गया। इसके चलते इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने सवेरे से पत्तनमतिट्टा के नीलक्कल में प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शनकारी मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पंबा और नीलक्कल इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महिला पुलिसकर्मियों सहित 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सबरीमला संरक्षण समिति ने शीर्ष न्यायालय के फैसले को लागू करने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। उधर केरल पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आरके शुक्ला के 1.5 माह के मेडिकल अवकाश पर होने के कारण भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विजय कुमार सिंह को आज प्रभारी पुलिस महानिदेशक बनाया गया। श्री सिंह वर्ष 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में राज्य पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। भोपाल की 6 विधानसभा सीटों के लिए आज भाजपा की प्रदेश इकाई ने रायशुमारी की। पार्टी ने रायशुमारी के तहत सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं से टिकट प्रत्याशी के तौर पर 3-3 नाम प्राथमिकता पर मांगे थे। इसके तहत आज भोपाल शहर की 6 सीटों हुजूर, नरेला, उत्तर, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा और मध्य सीट पर रायशुमारी की गई। भाजपा ने प्रत्याशी चयन की रायशुमारी के लिए मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के पदाधिकारियों की 2-2 लोगों की टीम तैयार की है, जिसके तहत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने स्थानीय मानस भवन में भोपाल जिले की विधानसभा सीटों के लिए रायशुमारी की। अब ये टीमें प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। सीहोर जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने बताया है कि विधानसभा निर्वाचन के लिए राजनीतिक दल के प्रत्याशी और अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के साथ भरे जाने वाले शपथ पत्र में उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध यदि कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसकी सूचना आवश्यक रूप से बड़े और स्पष्ट शब्दों में देनी होगी। उन्होंने बताया कि संबंधित राजनीतिक दल जिसमें अभ्यर्थी टिकट ले रहा है उसको भी सूचना देनी आवश्यक होगी। उधर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने के लिए नीमच में कल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। पन्ना में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में एक चौपहिया वाहन से 1 किलो सोना सहित 57,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 200 ग्राम चांदी के आभूषण भी मिले हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 49वीं कड़ी होगी। लोग नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV के ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। सतना जिले में आज तड़के एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल मंदिर जा रहे 6 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं रायसेन जिला मुख्यालय के समीप एक मारुति कार में आज अचानक आग लग गई। हादसे के तुरंत बाद कार में सवार लोगों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
कार सवार खंडेरा वाली माता के दर्शन कर भोपाल लौट रहे थे। एक अन्य जानकारी में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र निवासी एक पुलिस आरक्षक के घर के बाहर रखी मोटरसाइकिल पर अज्ञात बदमाश ने आग लगा दी, जिससे वो पूरी तरह जल गई। वहीं धार जिले में भी सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी आज देशभर में मनाई जा रही है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रदेश भर में देवी मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और कन्या भोज के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे सीहोर संवाददाता ने बताया कि रेहटे स्थित माँ विजयासन धाम शक्तिपीठ सलकनपुर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कल और आज करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। वहीं जिले में अनेक स्थानों पर चुनरी यात्राओं के कार्यक्रम हो रहे हैं। इधर शहडोल में भटिया देवी, कंकाली देवी और विराटेश्वरी धाम में माता के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जिले के ऐतिहासिक सिंहपुर मंदिर में माता काली की उपासना का दौर जारी है। उधर डिंडौरी और शिवपुरी में भी आज कन्या भोज के साथ हवन पूजन चल रहा है। टीकमगढ़ में मां दुर्गा की मनोरम झांकियां सजाई गई हैं। यहां धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। शहडोल जिले की महिला और बाल विकास अधिकारी राकेश खरे से 66,000 से अधिक रुपए की वसूली की जाएगी। सहायक संचालक राकेश खरे पर आरोप है कि सुहागपुर के परियोजना अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब तक 855 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं और 1,49,000 से अधिक शस्त्र विभिन्न थानों में जमा कराए गए हैं। इसी दौरान 11,500 से ज्यादा गैर जमानती वारंट तामील किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संपत्ति विरूपण के अंतर्गत 8,76,000 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। राजगढ़ जिले में जिला और पुलिस प्रशासन ने आज शराब का अवैध कारोबार करने वाले गुलखेड़ी गांव में दबिश देकर लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने बाधा पहुंचाने के लिए पथराव कर दिया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार दबिश के दौरान ग्रामीणों से भारी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की गई। वहीं पुलिस ने पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भिंड जिले के शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 566 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रशासन पिंक बूथ की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के 300 के करीब मतदान केंद्रों पर एक एक महिला कर्मचारियों को तैनात करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह जिले में पथरिया के पास बुतराई गांव में आज मिट्टी की खदान धसकने से 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये बच्चे मिट्टी खोदने गए थे। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कटनी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया और 1 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लोक आयुक्त पुलिस ने आज जबलपुर के जिला खेल अधिकारी राजेश मनोध्या को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने दिया अपने पद से त्याग पत्र, कहा लड़ूंगा कानूनी लड़ाई। केरल के सबरीमला में प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर को आज महिलाओं के लिए खोल दिया गया, इलाके में तनाव जारी। सतना में ट्रक से कुचलने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा नवरात्रि का महाअष्टमी पर्व। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।